इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कैसे हम लोगों ने 1xBet में डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे हम इस पे गेम खेल सकते हैं और कैसे हम यहाँ से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा सारा बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। यहाँ पर इसके अलावा गेम विन करने की बहुत सारी ट्रिक आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कैसे आप लोगों ने विन करना है, यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल आप दोस्तों को बताऊँगा। तो वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस करें तो उसके बाद अगर आप अगर मुझसे इनबॉक्स में आकर पूछते हैं तो फिर वो बात सही नहीं होगी, मैं फिर भी यही वीडियो प्रेफर करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप जैसे ही 1xBet ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं अभी तक बनाया 1xBet पर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो देखें, प्रॉपर अकाउंट बनाने का प्रॉपर तरीका बताया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर अकाउंट बना के आएंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा। अच्छा, पहला पेज क्या, यहाँ पर पहले आप लोगों को देखें लाइव लिखा हुआ, स्पोर्ट लिखा हुआ, ई स्पोर्ट, 1x गेम स्लॉट। तो सबसे पहले प्रेफर करूँगा आप लोगों को बताऊंगा, सॉरी यहाँ पर लाइव पर क्लिक करते हैं, जितने भी मैच लाइव चल रहे होंगे ये सारे वो हैं। तो मैं यहाँ पर किसी पे, यहाँ पर लाइव मैच पर किसी पर बैट लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दे पर लेकर जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर 1x पर हमने गेम करनी है, गेम खेलनी है तो कैसे खेलेंगे। तो सारी गेमों के लिए आप लोगों ने करना क्या कि यहाँ पर नीचे मेन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ कम गेम आएंगी तो वहाँ नीचे से मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी गेम आ जाएगी। थोड़े से नीचे आता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर देखें ये 1x गेम लिखा हुआ है। जैसे ही आप 1x गेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या कि यहाँ पर मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग मोर पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी गेम आ जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और दो या तीन गेमें आप लोगों को बताऊंगा। जी, जो रात को मैं यहाँ पर गेम खेल रहा था जिससे मैंने तकरीबन 1 लाख रुपये की अर्निंग की, आप लोगों ने देखा, वो ये गेम है क्रैश। लेकिन यहाँ पर मैं ये प्रेफर अभी नहीं आप लोगों को करूँगा क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, तो यहाँ पर ये आप लोगों को रिकमेंड नहीं करा। पहली गेम सबसे वो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर। सबसे पहली गेम आप लोग फिर नोट कर लें, एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर। इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा इसको खेलना कैसे है, ठीक है। मेन इसमें मुद्दा हमारा है कि हमने डिपॉजिट कैसे करना है, उसके बाद अगर डिपॉजिट हमारा हो जाता है, अभी हम डिपॉजिट करते हैं तो गेम इसी में ही खेल के दिखाऊंगा, शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखना है। पहली गेम एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी गेम है, आप लोगों को नीचे आना है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पर रखूंगा ये गेम। यहाँ पर देखें ये विल वेस्ट गोल्ड, ये गेम है, आप लोगों को ये थर्ड नंबर पर रखूंगा। जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर ये देखें ये है स्विम प्लान, ये गेम आप लोगों की मेडक वाली है, ये गेम मैं रखूंगा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आ गई एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर जो ऊपर बता दी मैंने, ये रही, और उसके अलावा ये तीसरे नंबर पे आ गई ये वाली जो ना ये गोल्ड वाली, और थर्ड नंबर सॉरी दूसरे नंबर पे जो गेम है वो है ये वाली स्विम प्लान वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया लगाते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कम से कम यहाँ पर 60 रुपये लगते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे यहाँ पर 10 लाख रुपये लगा रहे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर 60 रुपये लगाते हो सॉरी 1 रुपया लगाते हो, तो अगर आप लोग यहाँ पर जीतते जाते हो तो आप 27 रुपये तक यहाँ से अर्निंग कर सकते हो 1 रुपया लगाकर। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी 60 रुपये लगते, सारी इतनी गेमें सब में 60-60 ही लगते हैं, ठीक है, कम से कम 60 रुपये लगते हैं, पाकिस्तानी और इंडियंस में आई थिंक 20 रुपये लगते हैं और बाकी कंट्रीज का मुझे इल्म नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप ये वेस्ट गोल्ड में आप देखें तो यहाँ पर अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो यहाँ पर आप 59,000 रुपये तक यहाँ से जीत सकते हो। कैसा तरीका, क्या तरीका है, मैं लालच के लिए नहीं कहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर 1,000 रुपये लगाते हो, 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से 100 रुपये कमाओ, यानी सिर्फ हमें डेली बेसिस पे 24 घंटे के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिर्फ 100 रुपये कमाने। अगर 1,000 रुपये लगाते हो, अगर 10,000 लगाते हो, सिर्फ 1,000 रुपये तक आप लोग जाओ, इससे ऊपर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर 1,00,000 रुपये लगाते हो तो 5,000 से 10,000 कमाओ बस, ठीक है। उसके अलावा एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर से आप 336x तक कमा सकते हो, मींस कि आप 1 रुपया लगाते हो तो आप यहाँ पर मतलब 336 रुपये तक कमा सकते हो। बाकी जो क्रैश है ये तो भाई गेम ही लाइव चल रही होती है, तो ये इसमें तो आप बहुत अर्निंग कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, लालच में नहीं पड़ना। अगर लालच में पड़ना है तो आप मेरी यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हो। जो आपको एक मैंने प्राइवेसी और सिक्योरिटी बताई है, यानी आप अपनी 10x तक अपनी गेम को खेलें, यहाँ से प्रॉफिट 10x तक आप कमाएँ, बस वहाँ से गेम से आप एग्जिट कर सकते हैं। गेम आपको प्रेफर करने के बाद आप लोगों ने करना क्या कि आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी ये और कोई गेम आ गई है तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ये गेम बहुत ही मस्ट है भाई, यहाँ पर तो जो है ना 60 रुपये लगाने के बाद 1 मिनट में ये क्रिस्टल गिरते रहते हैं, तो यहाँ पर ये गेम भी बड़ी कमाल की, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, सारी गेमों पर वीडियो बनाऊंगा, सबकी ट्रिक बताऊंगा जितने की। यहाँ पर ये फ्री व्हील वाला है, अगर आप इसको एक व्हील आप लोगों को घुमा के, यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम आपको फ्री व्हील मिलता है तो इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील अगर आता है तो हमारी अमाउंट 2x भी हो सकती है, 3x 4x भी हो सकती है। यहाँ पर मैं कोई भी जीतता हूँ पहली अमाउंट तो हमारी इतने प्रॉफिट में बढ़ जाएगी। देखें यहाँ पर ये खाली आ गया तो यहाँ पर ये कह रहा है 24 घंटे के बाद यहाँ पर व्हील घुमाए, तो अगर यहाँ पर आ जाता तो फिर हमारी अमाउंट डबल हो जाती फर्स्ट जो भी हम यहाँ पर करते। तो यहाँ पर आपने ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अब आप लोगों ने करना है यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। डिपॉजिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये सारी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई आ जाएगी। ये देखें आप लोग कैश में सॉरी कैश माल से कर सकते हैं, इजी पैसा ऑटो और इजी सॉरी जैस कैश ऑटो और इजी पैसा ऑटो, इन दो के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, इन पे आप लोगों ने पेमेंट नहीं सेंड करनी। आप लोग खाली जैस कैश, खाली इजी पैसा फास्ट बैंक ट्रांसफ़र,
ये बैंक ट्रांसफर आ गया नीचे, इसमें रिपोर्ट ट्रांसफर पे इन पे बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को बताता हूँ इसकी ट्रांजैक्शन और आप लोगों को तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखें इजी पैसा ऑटो भी नीचे लिखा हुआ है, तो हमने इस पर भी नहीं करना है, ठीक है ना। इजी पैसा खाली लिखा हुआ है, खाली इजी पैसा लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा इजी पैसा हो जैस का, जैसे ये लिखा हुआ है जैस कैश, तो ये हो, लेकिन जैस कैश ऑटो बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा, इजी पैसा ऑटो बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा। जैस कैश खाली लिखा हुआ है तो आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं, इजी पैसा खाली लिखा हुआ है सेंड कर सकते हैं, जैस कैश फास्ट लिखा हुआ है सेंड कर सकते हैं, इजी पैसा फास्ट लिखा हुआ है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा ये स्क्रील है और एस्ट्रो पे है, परफेक्ट मनी, परफेक्ट मनी मेरा बेहतरीन जो है ना, मतलब ये आप कह लें कि एक्सचेंज है, ठीक है ना, जहाँ से मैं इसमें डिपॉजिट करता हूँ, मेरा बेहतरीन है। आप लोगों का इजी पैसा जैस कैश होगा तो बेहतरीन है वो भी है, लेकिन यहाँ पर इससे इंस्टेंट आपको जो है ना रिसीव होती है पेमेंट। आप मेरे से अगर डॉलर किसी को चाहिए हो, यूएसडीटी चाहिए हो, परफेक्ट मनी के चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, बाय सेल करने हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे डॉलर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको नीचे बता दूँ, यहाँ पर भी ये इजी पैसा जैस कैश डेपोट वगैरह बैंक ट्रांसफर वगैरह आ रहा है। तो अब नीचे ये देखिए क्रिप्टो करेंसी में आ गया, आप लोग बिनांस से करना चाहते हो, बिनांस का भी तरीका आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर टीथर ऑन ट्रॉन, इसका मतलब है जो जो ना TRC20 वॉलेट है जो कि बिनांस में हो, बिनांस में ये वो है। आप लोग अगर बिनांस से TRC20 से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ERC20 से करना चाह रहे हैं, इथेरियम से करना चाह रहे हैं, बिनांस से या किसी और वॉलेट से, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे ये सारे जितने भी कॉइन हैं वो लिखे हुए हैं, बकायदा एक शॉर्ट सा तरीका बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं जाता हूँ इजी पैसा पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट हम डिपॉजिट कर लेते हैं, बाकी तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं इजी पैसा फास्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए ये नंबर आ रहा है, आपके पास कोई भी नंबर है यहाँ पर तरीका देख लें, क्योंकि इनकी लिमिट जो होती है वो हर 10-15 मिनट के बाद फुल हो जाती है, तो आपका अकाउंट जो है ना वो मतलब उसमें जो है ना सॉरी जो इनकी लिमिट फुल हो जाती है, तो यहाँ पर ये अकाउंट जो है ना 10-15 मिनट के बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर नाम आए ना आए, बाद का ऐसा होता है, मैं यहाँ पर और कोई दिखा देता हूँ वॉलेट खोल के, जैस कैश का खोल के दिखा देता हूँ, इजी पैसा कोई खोल के, यहाँ पर जैस कैश पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके साथ देखेंगे आप नाम आ रहा होगा, किसी लड़की का होगा, बंदे का होगा, किसी का भी नाम हो सकता है। देखें यहाँ पर ये नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखें नाम आ रहा है, ठीक है, ये नाम आ रहा है, तो नाम उधर आप कन्फर्म कर सकते हैं जब इनको इजी पैसा जैस कैश सेंड करेंगे। तो यहाँ पर नाम ना भी आया तो आप टेंशन लेने, अगर आपके पास नंबर शो हो रहा है ना तो नंबर पर आपने पैसे सेंड कर देने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ मैं, यहाँ पर जैसे आप लोग जो है ना पैसे सेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इस अकाउंट पे 1000 रुपये सेंड कर दिए, अब तरीका वो भी बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे सेंड करने हैं। जैसे मैं इजी पैसा नॉर्मल सेंड करते हैं उसी तरह सेंड करने हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि देखें यहाँ पर अमाउंट लिखे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये उधर सेंड किए हैं, 1000 जो आपने सेंड किए हैं यहाँ पर आपने इसको सारे को यहाँ पर ख़त्म कर देना, और यहाँ पर आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर 1000 सेंड किया तो 1000 लिखना है, 500 किया तो 500 लिखना है, अगर एक हिस्सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके समझो पेमेंट ज़ाया। अगर कोई मसला बने तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि इसका हल निकलवा लें, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गलती ना कीजिएगा, कि बाजू का तो वो मानते हैं बाजू का तो वो नहीं मानते, ये बात ध्यान में रखिए। यहां पर जिस अकाउंट से आप लोग पैसे सेंड कर रहे हो, जैज कैश हो चाहे वो इजी पैसा हो या जैज कैश हो, तो आपने यहां पर अपना नंबर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 0345123456, कोई भी नंबर आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। यहां पर ऐसे आपने नंबर लिखना है, यहां पर जो उसका नाम हो, ठीक है ना, जो आपके इजी पैसा का नाम हो, होल्डर नेम हो, जिस नाम पर आपका अकाउंट बना हुआ वो आप लोगों ने यहां पर लिखना है, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मीर हादी, ठीक है, यहां पर मीर हादी लिखना। अब यहां पर आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही होगी ये ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, TID ट्रांजेक्शन आईडी, आपको 3737 से या 8585 जो मैसेज आता है ना वहाँ पर आपको एक TID रिसीव होती है, TID जो आपकी जो अमाउंट सारा मैसेज लिखा उसके नीचे TID होगा, TID होगा या ट्रांजेक्शन आईडी होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, उसके 11 जो हिस्से होंगे उसको कॉपी करके आप लोगों ने यहाँ लिखना है। बकायदा वो दिखा भी देता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या करना है। अभी मैं यहाँ पर इसको बैक क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये अकाउंट मैंने अभी पहले चेक किया है तो इसकी अमाउंट फुल है, इसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगी, तो ये जैसे चेंज होता है मैं कोशिश करूँगा किसी में चेंज हो जाए तो मैं वीडियो में जो ना एंड में या आखिर में डाल दूँ। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आप लोग इसमें आप अगर जो बैंक से करते हैं तो बैंक का भी थोड़ा सा देख लें डिटेल, तो आप लोगों ने कम से कम इसमें बैंक में अगर करेंगे तो इसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, तो आप लोग यहां पर जो है ना 500 कर सकते हैं। यहां पर ये बैंक का अकाउंट नंबर आ गया, यहां पर जो बैंक का नाम आ गया होल्डर नेम, और बैंक का नाम जो है ना बैंक अल्फला, यहां पर बैंक और भी हो सकते हैं, कोई बैंक इस्लामी, FBL कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी करनी है कि हर चीज़ को कंफर्म कर लेना है। यहाँ का कामरान लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, सारा तरीका कार्य देखें, प्लीज़ डू नॉट सेंड मनी फ्रॉम इजी पैसा एनी यूज़र सेंड पेमेंट। तो सिर्फ आप लोगों ने अपने बैंक के थ्रू ही इसमें डिपॉजिट करना है, ये बात दिन में रखें। लेकिन मैं इजी पैसा जैस कैश कहूँगा सेकेंड ऑप्शन पर, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा परफेक्ट मनी, उसके बाद आप जो है ना कर सकते हैं ट्रॉन से भी कर सकते, सॉरी USDT बिनांस से भी कर सकते हैं। इनकी अमाउंट जो भी क्रिप्टो करेंसीज आप इसमें डिपॉजिट करेंगे वो बिनांस से करेंगे या किसी भी वॉलेट से करेंगे वो आधे घंटे में आएगी, और यहाँ पर इनका टाइम है आधे घंटे का, तो जैस कैश इजी पैसा करेंगे तो भी आधे घंटे में आएगी, आधे घंटे का मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम 2-4 मिनट में आ जाती है। तो यहां पर मैं पहला तरीका आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों ने यहां पर कैसे करना है इसमें डिपॉजिट, मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आगे इसमें डिपॉजिट करूं, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी, तो यहां पर ये मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर देखिए, यहां पर अब हम ट्रॉन से सॉरी दूसरे USDT TRC20 से करने वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहां पर देखें ये कह रहा है ओनली सेंड
जी सर USDT यानी TRC20 के अलावा आपने यहाँ पर किसी से सेंड नहीं करना। ये देखिए ये ERC से भी नहीं करने, BNB BP2 से भी नहीं करने, BPT20 से भी नहीं करने, ओमनी से नहीं करने, सोल से नहीं करने, किसी से भी नहीं करने, लेकिन आप लोगों ने करने ओनली यहाँ पर देखें, ओनली यहाँ पर देख सकते हैं कि मेक डिपॉजिट थ्रू द ट्रॉन TRC20 नेटवर्क, सिर्फ उसी से करने है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें कन्फर्म पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आगे इनका एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस पर आप जो है ना तकरीबन 15 मिनट में अमाउंट सेंड कर सकते हैं, इनका टाइम होता है 15 मिनट के बाद चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर चेंज नहीं हो तो अगेन जो है ना 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाए तो यहाँ पर आप आके चेक कर सकते हैं। जो इनकी प्राइस है USDT आपको देने की वो 272 रुपये देंगे, सॉरी 276 रुपये का देंगे। तो ये ना सोचें कि आप यहाँ पर 276 का आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो आपको विड्रा भी इसी हिसाब से देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर कुछ सीन अलग है, यहां पर आप अगर डिपॉजिट करते हैं फॉर एग्जांपल 276 के हिसाब से तो जो ये यहां पर लेंगे यानी यहां पर $15 डिपॉजिट करते हैं, मिनिमम इसमें $15 है, ठीक है ना। यहां पर देखें नीचे, यहां पर अगर आप $15 डिपॉजिट करते हैं तो जब 15 निकालेंगे तो 15 ही आपके निकलेंगे, यहां पर कटौती वगैरह नहीं होगी, ये बात ध्यान रखें। सॉरी यहां पर मैं क्लिक किया था तो आगे कंफर्म पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है। मैं विनाश का भी तरीका बता देता हूं, ठीक है। एक मैंने अकाउंट रैंडम सा जो है ना ओपन किया है विनाश का आप लोगों को बताने के लिए, तो विनाश के अकाउंट में आ जाता हूँ, जल्दी से इसको ओपन कर लेते। तो विनाश आप लोगों ने ओपन कर लेना है, उसके बाद आप लोग करना क्या है कि यहाँ वॉलेट पे चले जाना। जैसे आप लोग वॉलेट पे जाओगे, वॉलेट पे जाने के बाद आप लोगों ने ऊपर स्पोर्ट पे क्लिक कर लेना है। आपकी अगर अमाउंट यहाँ पड़ी तो यहाँ फंडिंग पे जहाँ पे आप लोगों का दिल करे वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने करना है कि विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। विड्रॉ पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर आपके सामने क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी, ठीक है। आप लोग यहाँ से ऊपर जो है ना इसमें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं USDT, तो नीचे खड़ा हुआ USDT और यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ USDT। तो USDT आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके से पूछा जाएगा सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क या सेंड विया ईमेल फोन और आईडी। तो मैं यहाँ पर क्या करना है कि सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोगों को वहाँ से जो एड्रेस मिला होगा वहाँ पुट करना है और यहाँ पर जो नेटवर्क आप लोगों ने तलाश करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर वो पुट कर लेता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्क्रॉल करना, एंड पे आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ ट्रॉन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर सोलाना भी है, पॉलिगन भी है, इथेरियम भी है, यहाँ पर देखें ERC20 भी है, इथेरियम का भी है। यहाँ पर इथेरियम को आप लोगों ने क्लिक नहीं करना क्योंकि आपकी अमाउंट ज़ाया हो जाएगी, तो आप लोगों ने एंड पे चले जाना है। एंड पे जैसे जाएंगे यहाँ पर देखें ट्रॉन का लिखा हुआ TRC20 जिसकी फीस $1 है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर देना। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने अपनी अमाउंट लिख देनी है, चाहे $15 हो, कम से कम आप $15 उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप $50 करना चाह रहे हैं या $100 करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, वहाँ पर इधर उधर $99 जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आप लोगों ने विड्रॉ पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग विड्रॉ पे क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैंने एक रैंडम अकाउंट ओपन किया था, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी अकाउंट में उधर जो है ना पेमेंट चली जाएगी। तो यहाँ से आपने जो भी मतलब आप लोगों ने डिपॉजिट करना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप जैसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो अपने पास सेफ रख लीजिएगा, बाद में कोई मसला बनता है तो उसका कोई इशू नहीं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने वापस अपने जो है ना यहाँ पर 1xBet के अकाउंट में आ जाना, तो आप लोगों ने टेंशन लेनी, आपका जो है ना अमाउंट यहाँ पर 15 से 20 मिनट आधे घंटे ज़्यादा 30 मिनट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी हम बैक जाते हैं अपने प्रोसेस की जानब। आप लोगों को अब यहाँ पर विड्रॉ का तरीका समझा देता हूँ और फिर एंड पे डिपॉजिट करता हूँ और गेम भी खेलता हूँ अगर यहाँ पर इसमें डिपॉजिट होता है तो, क्योंकि डिपॉजिट का थोड़ा सा इशू हुआ है, इशू हो रहा है, इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अकाउंट अभी तक चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर रात को थोड़ा सा लेट चेंज होता है, ज़ाहिर सी बात है, और अभी रमजान भी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ, अगर चेंज होगा तो मैं अभी यहाँ पर इजी पैसा डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वही अभी तक अकाउंट खड़ा हुआ है, अभी तक ये अकाउंट चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर चेंज जैसे ही होगा मैं यहाँ पर इसी से डिपॉजिट करूँगा, तब तक आप लोगों को तरीका समझा देता हूँ मैं यहाँ पर विड्रॉ लेने का। विड्रॉ आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर सेटिंग पर चले जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेटिंग पे जाते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर टॉप अप का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन आ जाता है। आप लोगों ने करना क्या कि विड्रॉ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही विड्रॉ पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा पूरा पेज। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, आपका अकाउंट बायोमेट्रिक वेरीफाइड जैसे कैश का या इजी पैसा का होना चाहिए तो आप यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। अच्छा, विड्रॉ का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर खाली इजी पैसा आए, इजी पैसा ऑटो आए या फिर इजी पैसा फास्ट आए, उसके अलावा जैसे कैश ऑटो आए, जैसे कैश फास्ट आए या खाली जैसे कैश लिखा है, विड्रॉ आपने इजी पैसा में लगाना है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग सोच लें, ठीक है। अगर आप लोगों ने इजी पैसा से डिपॉजिट किया तो इजी में विड्रॉ लगा सकते हैं, अगर जैज कैश में किया है तो जैज कैश में लगा सकते हैं, अगर परफेक्ट मनी से किया है तो आप लोग यहां पर परफेक्ट मनी में। सिंपल वो तो एक मिनट का फंदा है, तो उस पर इंशाल्लाह अगर आपको लोग कहेंगे परफेक्ट मनी का तो वीडियो बना दूंगा। आप इसके अलावा पेमेंट सिस्टम जो है ना विड्रॉ के वहाँ पेयर से भी ले सकते हैं, पायर है जो से ले सकते हैं, उसके अलावा ये बैंक है, रिपिड है, ये वो सारे जितने भी यहाँ पर हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नीचे एंड पे होगा कहीं ना कहीं ट्रॉन जो है ना, ये रहा, ये देखें यहाँ पर ट्रॉन का आप लोग लेना चाहते हैं USDT TRC20 का, तो ये रहा एंड पे, और इथेरियम वाला भी यहीं कहीं रुल रहा होगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि यहाँ पर
ऊपर आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप विड्रॉ लेना चाहते हैं तो विड्रॉ पे आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 लिखी हुई, आप जितनी मर्जी आपको आपकी वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये फिक्स नहीं रहती कि 1000 हो, ऑटो पे 1000 है तो किसी और पे यदि पैसा फास्ट आ जाएगा उस पर 100 रुपये भी होती है, परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आपने जितना भी विड्रॉ निकालना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने 2000 रुपये विड्रॉ निकलवाना है तो यहाँ पर मैं 1000 लिखा हुआ है, सारे को खत्म करके यहाँ पर 2000 लिख दूंगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना इजी पैसा नंबर लिखना है जो सही हो, 0 के साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता देता हूँ 0345, यहाँ पर सारा अपना नंबर लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम इजी पैसा अकाउंट का जो है वो यहाँ पर डालने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। 24 घंटे का यहाँ पर इनका टाइम होता है और यहाँ पर ये आपके अमाउंट आपके अकाउंट में 24 घंटे में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और ये तरीका हो गया आपको जैस कैश इजी पैसा, सेम एक जैसा तरीका है जैस कैश इजी पैसा का, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 215 सेंड कर दिया तो यहाँ से वापस आ जाता हूँ। तो आप लोगों को तरीका पहले बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर इस नंबर पर मैंने सेंड किए हैं तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं अमाउंट मिनिमम जो है 100 रुपये लिखी हुई, तो यहाँ पर मैं इसको सारी को कट कर दूंगा। कट करने के बाद यहाँ पर जो ना मैं यहाँ पर 215 रुपये लिख दूंगा, जितनी भी अमाउंट होगी आप लोगों ने इतनी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं होल्डर नेम लिख देता हूँ, जो भी होल्डर नेम होगा मतलब सॉरी इजी पैसा नंबर होगा जिस नंबर से मैंने यहाँ पर पेमेंट की है, तो यहाँ पर नीचे नाम लिख देता हूँ मैं। नाम लिखने के बाद यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर ईमेल आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तरफ यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आ गई होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिसीवर नंबर है वो सारा कुछ यहाँ पर हिस्ट्री शो हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है, तो ट्रांजैक्शन आईडी जो है यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा तो आपके पास मैसेज में आएगी। तो अगर आपके पास नंबर चल रहा है तो मैसेज पर आएगी, तो ई मेल अगर लगा हो तो ई मेल पर आ जाएगी। तो आप लोगों ने ये करने के बाद आप लोगों ने नीचे करना क्या है कि यहाँ पर नीचे जो है ये चीज़ें सारी कन्फर्म कर लेनी है, और नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर, यहाँ पर देखें हमारी आईडी जो है ना डिपॉजिट रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वेट कर लेना है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा और पहले 20 से जो आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको अगेन ओपन कर लेता हूँ, तकरीबन मुझे 10-15 मिनट हो गए थे। तो ऊपर आप लोग टाइम भी देख सकते हैं, अगर टाइम आपको शो हो रहा है तो यहाँ पर इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 215 रुपये का डिपॉजिट ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। हमारी जो है ना अमाउंट हमारे पास आ गई है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये शो होने लग जाएगा कि यहाँ पर आपने 215 रुपये जो डिपॉजिट आपका सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं अपनी गेम की तरफ, तो गेम जो मैंने आप लोगों को बताई थी वन एक्स गेम में, तो वहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मोर पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मोर पे क्लिक करूँगा तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो है ना ये एप्पल ऑफ फॉर्च्यूनर आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्ट्राइक लगा सकते हैं, यानी मिनिमम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 60 रुपये आ जाएंगे, यानी कम से कम आप 60 रुपये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको कट करके 100-200 जो भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें, जितनी अमाउंट लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना मिनिमम पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद अगर आप X2 पे क्लिक करते तो आपकी अमाउंट 60 है तो 120 हो जाएगी, 20 है तो 240 हो जाएगी, तो इस अमाउंट से इस बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पर 60 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले राइट साइड से पहले को छोड़ के आप लोगों ने सेकंड पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड है यहाँ पर, इसको अगर आप इनमें से पाँचों में से किसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक में से जो है ना सेव कटा हुआ है, बाकी 5 में सेव सही है। तो यहाँ पर जो पहला नहीं है आप लोगों ने छेड़ना, दूसरे पर आप लोगों ने क्लिक करना है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दूसरे पे क्लिक करना, जो पहले 3 है इन पे क्लिक करना, ठीक है ना। अब आप लोग ये नीचे देख सकते हैं कि मैंने पहले पे क्लिक किया तो मेरे सेव जो पूरा निकला है। तो यहाँ पर देखें हमारी अमाउंट 60 रुपये थी तो 73 रुपये हो चुकी है, 80 पैसे 73 रुपये 80 पैसे हो गई। यहाँ पर टेक विनिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आपकी आपके अकाउंट में ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये भी हमारा सेव पूरा है, तो हमारी अमाउंट जो ना 92 रुपये 4 पैसे हो चुकी है। तो अब मैं टेक विनिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे टेक विनिंग पे क्लिक करूँगा देखिए ऊपर हमारा बैलेंस 247 रुपये हो गया और 92 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, तकरीबन 32 रुपये हमें प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है ना। ये गेम होगी, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, यहाँ पर मैं अगेन गेम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप लोगों को बताना है यहाँ पर सिर्फ 2 गेमें ही मैं यहाँ पर खेलूंगा। विश वेल गोल्ड के लिए मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर स्वीप प्लान जो है ना यहाँ पर इस पर भी मैं एक ही गेम खेलूंगा, तो यहाँ से भी मेरी जो है ना 100 रुपये कमाने का इतना ही 30-40 रुपये कमाने का सीन है। तो ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि पीछे सिर्फ मैंने 200 रुपये लगाए हैं, तो आप लोग जितना मर्जी लगाएं, तो ये वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर 60-70 रुपये जितने भी लगाने लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि राइट साइड का पहला छोड़ के अगला जो उस पर आप क्लिक करें और दरमियान वाले सिर्फ 3 ही चूज करें, या एंड पे आप लोग चौथे को चूज कर सकते हैं, यानी एंड पे जो है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास 78 रुपये बैलेंस हो चुका है, या तो इसके ऊपर वाला ही अब मैं चूज करूंगा या फिर ये थर्ड चूज करूंगा। थर्ड जैसे मैं चूज किया यहाँ पर देखें मेरी अमाउंट 130 रुपये हो चुकी है, तो अब मैं टेक विनिंग पे क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं टेक विनिंग पे क्लिक करूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टेक विनिंग कर चुके हैं, मेरा बैलेंस 317 रुपये हो चुका है और 130 रुपये हमें यहाँ से आ गए हैं जो कि हमने 60 रुपये लगाए थे। ओके करने के बाद तो यहाँ पर अब मैं और नहीं लगाऊंगा।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल इन्फो विद हादी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इस चीज़ का ये फायदा होगा, जितनी भी मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में दिखा सकूँ गेम, सब की मैं अलग अलग फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा और इनकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा कि हर गेम अलग अलग तरीके से आप लोग कैसे जीत सकते हैं, उनको कैसे विन कर सकते हैं स्मार्ट अमाउंट या थोड़ी अमाउंट लगाकर। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं स्वीप लैंड की मैंने यहाँ पर शॉर्ट दो वीडियो जो है ना ये डाली है, लेकिन ये इतनी मस्त नहीं है, तो फुल डिटेल के साथ वीडियो डालूंगा। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप यहाँ पर वन एक्स बैट की गेम्स की सारी वीडियो आती रहेंगी और ट्रिक के साथ आएंगी, 100% आप लोग यहाँ से अर्न कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।